हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, इसकी सारी कंडीशंस। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसका एक फील्ड होता है। अब इसका फील्ड क्या है कि ऐसा एरिया जिसमें ये किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो इसका फील्ड कहलाएगा। अब उस फील्ड तक जो हम लाइंस ड्रा करते हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि जहां तक चार्ज का फील्ड होता है वहां तक हम लाइंस ड्रा कर लेते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैं एक एरिया कंसीडर करता हूं और उस एरिया को यहां पे लाकर रख देते। अब देखें कि इसमें दो लाइंस पास कर रही हैं। अब इसी एरिया को मैं उठाऊं और यहां पे रख दूं तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक लाइन पास कर रही है। जो एरिया बेसिकली मैंने रखा, ये मैंने फील्ड की इंटेंसिटी को या फील्ड को मेजर करने के लिए रखा। कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने फील्ड मेजर करना हो तो मैं क्या करता हूं, वहां पर एक एरिया ला के रख देता हूं और ये देखता हूं कि उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जितनी फील्ड लाइन पास करेंगी वो उस एरिया का हमें फील्ड बता देगा। अब यहां से दो लाइनें पास कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा है। इस एरिया में सिर्फ एक लाइन पास कर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड कम है। यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये जो फील्ड है ये एक वेक्टर वेक्टर एरिया होता है। क्यों? क्योंकि फील्ड की, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। और हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जो हमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कि वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि किसी भी वेक्टर एरिया से, एरिया नहीं वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया क्या है या? अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसी भी वेक्टर एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास करेंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। सादा सी बात है कि हम किस एक एरिया रख देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास कर जाएंगी वो ही उसका फ्लक्स कहलाएगा। अब यहां से दो लाइनें पास कर रहे हैं तो इसका फ्लक्स दो है, यहां से एक लाइन पास कर रहे हैं तो इसका फ्लक्स क्या है, एक है। तो जितनी फील्ड लाइन पास कर जाएंगी उतना ही उसका फ्लक्स बन जाएगा। वेक्टर एरिया क्या है? हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर रेक्टेंगुलर शेप हो, कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप जिसकी हाइट 3 है और विड्थ 2 है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, एरिया लेंथ क्रॉस विड्थ 3 × 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका एरिया मेरे पास 6 बने, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं वेक्टर एरिया की। और वेक्टर जब आ जाए तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी लाजमी होनी चाहिए। तो वेक्टर एरिया एक ऐसा होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस एरिया, ये सारा सरफेस एरिया है, इसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के इक्वल ही होगी। लेकिन वो क्या होगा कि इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इस एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कि मैं इस सरफेस एरिया पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो वो इस सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया कहलाएगा। तो अब एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ भी रखा है। और इसका एक कंप्लीट लेक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा है। तो जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आया, तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको हम लिखेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम कॉस थीटा यूज करते हैं।
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए वेक्टर एरिया होगा, और थीटा जो होगा इन दोनों के दरमियान एंगल होगा। यूनिट इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनका हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर स्केयर। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बनेगा न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम ये देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। तो यहाँ पर जस्ट दो चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे और वेक्टर एरिया पे। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी मीन्स हमारे पास एक ये एरिया है, जिससे चार लाइनें पास, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ज्यादा है। अगर यही एरिया मैं यहाँ रखूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो कम, इसका क्या मतलब है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पर फ्लक्स भी ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर एरिया, मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक एरिया, एक एरिया में ये ले लेता हूँ, एक एरिया। अब ये देखिए यहाँ पर जस्ट दो लाइनें पास कर रही है और यहाँ से तीन लाइनें पास कर रही है, तो मतलब जितना मेरा एरिया ज्यादा होगा उतना फ्लक्स भी क्या होगा ज्यादा होगा। बेसिकली ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, जितना किसी भी जो मटीरियल है उसका वेक्टर एरिया ज्यादा होगा तो उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ज्यादा। अब हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले कि मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है कि ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एरिया को परपेंडिकुलर रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अगर मैंने परपेंडिकुलर रखना है तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल कितना होगा, 90 का होगा, और अगर मैं कॉस 90 पुट करूं, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एरिया को मैं परपेंडिकुलर रखूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन में ये अगर मैं 90 डिग्री पुट करूं या परपेंडिकुलर पुट करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसकी क्या वजह, इसकी वजह ये है कि हमने एरिया नहीं वेक्टर एरिया लेना है, वेक्टर एरिया, कि ये मेरे पास एक एरिया है, अगर मैं इसका वेक्टर एरिया लूँ तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा इसके सरफेस एरिया पे जो कि ये मेरे। अब ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रखा हुआ है, इस एरिया को परपेंडिकुलर रखा हुआ, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मैंने इस एरिया को क्या रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ। अगर मेरे पास लाइंस वाई एक्सिस में है तो मैं इसको एरिया को किस पे रखूंगा, एक्स एक्सिस में रखूंगा, और इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया को देखूँ उसकी डायरेक्शन भी यही बन रही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की है, इसका मतलब है कि वैक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दो वैक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है थीटा वो कितना होता है, जीरो डिग्री के। तो मैं यहां पर बजाय कॉस 90 के कॉस जीरो पे, तो ये आएगा ई ए कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो डिग्री वन होता है तो मेरे पास आ जाएगा ई ए जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि मैंने सर एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखना है, लेकिन जब आप उसका वेक्टर एरिया निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह मिनिमम की कंडीशन देखें तो मिनिमम में क्या होगा, एरिया को मैं पैरेलल रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी उसी डायरेक्शन में मैं क्या रखूंगा, वेक्टर एरिया को रखूंगा। ये
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक्स एक्सिस में है और जो मैंने वेक्टर एरिया रखा हुआ है वो भी एक्स एक्सिस में है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया बनेगा वो वाई एक्सिस में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है और मेरा जो वेक्टर एरिया बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो वेक्टर एरिया है वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ये एंगल तब बनेगा जब मैं एरिया को और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या रखूंगा, पैरेलल रखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया में एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में डालूं, E डॉट ए इक्वल टू ए ए ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब मैं एरिया को और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल रखूंगा, वेक्टर एरिया जो होगा उसको 90 डिग्री पे आ जाएगा और कॉस 90 में 0 दे देगा, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो मिनिमम। एक थर्ड कंडीशन बनती है कि मैं ना मैक्सिमम, ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, कि ना मैं वेक्टर एरिया को पैरेलल रखता हूँ ना मैं वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर रखता हूँ, मैं उसको किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पे रख देता हूँ। तो जब मैं उसको आर्बिट्रेरी एंगल पे रखूंगा उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एंगल पे डिपेंड करेगा, कि जितना उसका एंगल ज्यादा होगा वैसे वैसे उसका जो फ्लक्स होगा वो बढ़ता जाएगा। तो एरिया क्या होगा, इज इंक्लाइन एट सम एंगल विद लाइंस, देन वी विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, के इस एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा जो मैंने रखा हुआ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं देखूंगा कि इस एरिया में से जितनी लाइंस पास हो रही हैं वो भी इसका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब ख्याल रखिएगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में।